सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में नई शराब नीति लानी चाहिए। जाप सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि राजद और बीजेपी का साठगांठ है, इसीलिए नीतीश बीजेपी के साथ है। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में विफल है, शराब की नई नीति लानी चाहिए। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी और आरजेडी का ही साठगांठ है, ऐसा कहना है जाप सुप्रीमो का। समझने का प्रयास कीजिए, पहले तो इनकी मनसा समझिए। ये इतने जल्दीबाजी क्या है? आप अग्निवीर कौन है? अग्निवीर एक बुद्ध राजा के हत्यारे का बेटा, और इसके पीछे क्या है? कई सारी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की पूरी तैयारी। पहले समझिए, अग्निवीर एक ऐसे शासक का बेटा जिसने बुद्ध राजा की हत्या की, फर्स्ट। सेकेंड, अग्निवीर के बारे में दूसरी बात समझिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से इस हिंदुस्तान के युवाओं के भीतर जो क्रांति है, जो जज्बात है, जो सेंटिमेंट है, जो इंसानियत के प्रति, समाज को बचाने, राष्ट्र को बचाने के प्रति, उसके जज्बात को, उसके सेंटीमेंट को ख़त्म कर मुर्दा बना देना। सर, शराब को मैं आग्रह करूंगा, मैं सलाह तो नहीं दे सकता नीतीश कुमार जी को, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं बिहार की, 80% यूथ के हाथ में कोरैक्स ड्रग्स एसमैक्स सॉल्यूशन और व्हाइटनर जा चुका है। जिसकी लाठी उसकी भय, जिसका गवर्नर जिसका पैसा, जिसका अदानी जिसकी अंबानी, जिसका ईडी जिसका सीडी, वहां वोट जाएगा। भैया राजद का कितना विधायक टूटेगा कहना मुश्किल, आप छोड़ दीजिए उसकी चिंता। राजद जब तक बीजेपी के साथ है तब तक राजद सुरक्षित है। राजद बीजेपी का और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार के छपरा से मकान में हुआ है जबरदस्त विस्फोट। बड़ी खबर, बिहार के छपरा से मकान में हुआ जबरदस्त विस्फोट, धमाके के बाद मलबे में तब्दील हुआ घर। बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रही है, सूचना पाकर मौके पर पहुंचा प्रशासन। बड़ी खबर आ रही है बिहार के छपरा से, मकान में अवैध तरीके से हो रहा था पटाखों का निर्माण। यह भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अवैध तरीके से पटाखों का निर्माण हो रहा था। मलबे से एक महिला समेत 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलबे में अभी भी बच्चों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, धमाके में घायल 4 लोग सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां पर 4ों लोगों का इलाज चल रहा है। तो खैरा थाना क्षेत्र के खुदाईबाग इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें ये देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं।